गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं किए। मैं इतना दिन से सिर्फ फूड का ब्लॉग डाल रही थी, तो अभी मुझे याद आया मैं एक ब्लॉगर हूँ, नॉट फूड फूड ब्लॉगर। तो अभी फूड के साथ साथ थोड़ा सा बातें भी आप लोगों के साथ करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों को जितना हो सके मॉर्निंग टू इवनिंग तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए, मैं अभी हूँ मेरे छोटे से बेलकनी में, जहाँ पे मैंने गार्डनिंग किया है। आप लोगों को पता है मैं गार्डनिंग का ब्लॉग ऑलरेडी यहाँ पे दे दी। तो देखिए, मेरे साथ है मेरा प्यारा सा हैप्पी, अभी भाग रहे हैं मुझसे। और देखिए, हैप्पी अभी इधर ही खड़ा रह के वो बाहर दिखता है, तो बहुत दिन हो गए उसको बाहर लेके नहीं गई। बाबन, देखिए हैप्पी कितना बड़ा हो गया। हैप्पी हैप्पी, और उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार का आदत हो गया। उसका पापा है अभी घर में, तो बहुत पैम्परिंग हो गए। ये है मेरा हिबिकस का प्लांट, जो मर गए थे, लगभग मर ही गए थे कीड़ा लगने की वजह से। लेकिन मैंने आप लोगों को मैंने दिखाया, एक जो मेडिसिन मुझे दिया था नर्सरी से, वो मैंने लगाया। तो उसके बाद देखिए, हिबिकस का पूरा प्लांट अच्छा हो गया। और देखिए, दो हिबिकस हो गया, रेड कलर का है। मैं अभी बैल्कनी से घर में आ गई हूँ अंदर में। तो देखिए, हैप्पी भी मेरे साथ साथ आ गए इधर, और उसको देखना ये क्या है, मेरे हाथों में क्या है उसको देखना है। डिटेक्टिव है ये, हमारे घर का पूरा डिटेक्टिव है। हैप्पी, नो नो नो, उसको देखना है चाहिए क्या है मेरे हाथों में। बहुत ज्यादा बदमाश हो गया देखिए, और ज्यादा बदमाश हुआ वो उसके पापा घर में रहने की वजह से। ये 2 मंथ हो गए, 2.5 मंथ उसके पापा घर में है, तो उसका आदत पूरा बिगड़ गए। हैप्पी, उसको मुझे खिला के, मतलब खाना खिलाना पड़ता है हाथों से, वो खुद नहीं खाता है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग को मतलब जल्दी से उठ नहीं पाते मॉर्निंग में। मानव का मतलब ड्यूटी ऐसा है कि 1:30 बजे तक उसको ऑनलाइन रहना पड़ता है, और रात में सोने के टाइम हम लोगों का 2 या 3:30 ऐसा कुछ हो जाता है। तो उतना देर में सो के फिर जल्दी उठना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट से उठते हैं। और उठ के ज़्यादा कुछ नहीं खाते, एक कप टी और 2-3 बिस्किट्स बस हो गया ब्रेकफास्ट। फिर जल्दी से लंच बना लेते, उसके बाद हम लोग लंच खा लेते। तो अभी मेरा लंच नहीं बनाया अभी तक, तो अभी मैं बनाऊंगी लंच। तो चलिए, मैं चलती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और बहुत दिन से मैंने हेयर का कुछ भी केयर नहीं किया, मतलब ये लॉकडाउन में ऐसा हो गया ना कि टाइम है लेकिन कुछ करने का मन नहीं है, तो ऐसा ही हुआ है सबका हालत, मुझे समझ में आ रहा है। तो अभी मैं करूँगी हेयर का केयर, तो लंच बनाने के बाद मैं थोड़ा सा हेयर का केयर करूँगी। तभी देखिए, हैप्पी का खेलने का मूड हो गया, वो बहुत ज़्यादा खेलता है। ये मतलब जो उसका खेलने की चीज़ है ना, उसको मुंह में पकड़ के हड्डी वो खेलता है। अभी उसको पापा को बोल रहा है खेलने के लिए। देखिए, चलिए अभी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ लंच का। तो आज मैं बनाऊंगी सेट डोसा और सांबर। तो आप लोगों को पता ही है सेट डोसा सांबर साउथ इंडियन का बहुत ही फेमस डिश है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में बनाती हूँ। रेडी हो गया मेरा सांबर, अभी मैं बनाऊंगी सेट डोसा। तो देखिए, ये बैटर मैंने घर में बनाया, रात में बना के रखी थी, तो अभी मैं यूज करूंगी। तो घर में बना हुआ बैटर बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो इसलिए मैं घर में बना हुआ बैटर ही प्रेफर करती हूँ ज्यादा। तो चलिए, अभी मैं बनाती हूँ सेट डोसा। पहले मैं हैप्पी के लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ 2-3। तो पहले मैं हैप्पी के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हैप्पी का जो डोसा बन रहा है उसमें कोई सॉल्ट मैं यूज नहीं करूंगी, इसलिए उसके बाद मैं सॉल्ट यूज करके बनाऊंगी।
मैंने कैसा इडली और डोसा का बैटर बनाया, इसके लिए एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे चैनल में, बंगाली चैनल में, जिसका नाम है बेंगालुरियन रिम्पा बेंगाली ब्लॉगर। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए अगर आपको चाहिए मैंने कैसे बनाया इडली और डोसा का बैटर, तो एक बार चेक कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया हैप्पी का डोसा, सेट डोसा। तो मैं और दो बनाऊंगी हैप्पी के लिए। तो अभी मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया, लंच रेडी हो गया, अभी मैं करूंगी हेयर का केयर। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कार्ड ले लिया और इसमें मैं डालूंगी एक का व्हाइट पोर्शन, येलो नहीं व्हाइट, और इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। मेरा हेयर पूरा ड्राई हो गया इसलिए मैं ऐसा यूज कर रही हूँ। तो एक बहुत अच्छा होता है हेयर के स्मूथनेस के लिए, बहुत स्मूथ होता है, शाइनिंग देता है हेयर में, तो इसलिए कार्ड तो अच्छा ही होता है हेयर के लिए। तो अब ये सबको एक साथ मिक्स करके मैं हेयर में अप्लाई करूंगी। तो मैंने हेयर को दो भाग में डिवाइड कर लिया देख सकते हैं, और मैंने एक बेडशीट ओढ़ लिया कि ताकि ये जो कार्ड का मिक्सर है ये मतलब ड्रेस के ऊपर ना गिरे, इसलिए तो पहले मैं लगा लेती हूँ अच्छे से। ऐसा नहीं इसको एंड से एंड तक लगाना है, पूरा हेयर के स्मूथनिंग के लिए ये यूज करना है। ऐसे करके लगाते जाना है, कोई अगर लगा देते तो अच्छा होता है, मानव को मैंने बोला, मानव बात कर रहा है, तो देखते हैं मानव लगा देते हैं क्या नहीं। मैं ही स्टार्ट कर दिया कि मेरा बहुत काम है अभी भी इसलिए। तो चलिए मैं पहले ऐसे पूरा हेयर में लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरा पूरा हेयर में लगाना हो गया। तो अभी ऐसे मैं एक क्लिप से इसको हेयर को ऐसे लगा के रखूँगी हाफ एन आवर के लिए। इस टाइम में मैं करूँगी किचन को क्लीन, बर्तन को क्लीन और घर को वॉश। चलिए अभी मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन मेरा क्लीन हो गया, अभी मैं वॉश करूंगी बर्तन। मेरे बहुत सारे बर्तन जम गए इधर और मानव कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं बोल रही हूँ उसको कि मतलब घर तो क्लीन कर दो, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी उसको एक्सरसाइज करने का मन किया तो अभी स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी मेरा किचन क्लीन हो गया, बर्तन भी क्लीन हो गया, अभी मैं थोड़ा सा घर को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हेयर वॉश कर लूंगी। हे गाइस, तो अभी हम लोग लंच कर लेते, मानव ने पूरा रेडी कर लिया लंच और मैंने हेयर को वॉश करके आ हाय गई। हाय, मानव बहुत दिन के बाद आ रहे ब्लॉक ब्लॉक में। तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते। কি হয়েছে বলো, দিলাম তো। বাবা हमारा लंच हो गया कंप्लीट। तो अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और देखिए आ गए, फिर आ गए हैप्पी खेलने के लिए। उसका खाना होने के बाद ही वो खेलने के लिए आ जाता है। हैप्पी हम कोरो ना सोना बाबा मन कोरो बोचू 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 बोचू। हैंड शेक, हैंड शेक, गुड बॉय, हाई फाइव, वेरी गुड पाटा सराव, वेरी गुड बॉय, हैप्पी हैंड शेक, वेरी गुड बॉय, हैप्पी इज अ गुड बॉय, कुचू कुचू कुचू, हम कुचू 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 कुचू, कुचू 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 कुचू, एवरीवन गुड इवनिंग। तो बहुत देर तक मैं सोई थी, तो अभी उठ के आए,
तो अभी मैं बनाऊंगी चाय इवनिंग का, तो चाय के साथ बिस्किट ही खाऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है तबीयत थोड़ा सा। तो और एक चीज़, मेरे किचन में अभी लाइट नहीं है क्योंकि वो लाइट कट गए, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को बोले थे आने के लिए, वो बोला था आएंगे लेकिन नहीं आया, तो इसलिए चिमनी का जो लाइट है उससे मैं बनाऊंगी चाय, इसलिए आप लोगों को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, सॉरी। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ चाय, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि मेरे किचन का लाइट कट हो गया, मैं चिमनी के लाइट से काम कर रही हूँ, तो ये मेरा चिमनी का लाइट मैंने ऑन किया और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन बोले थे आज आएंगे तो लाइट को चेंज कर देने के लिए, लेकिन नहीं आए, इसलिए मेरा आज कुछ और प्लान था बनाने के लिए, तो नहीं बना पाऊंगी, लाइट नहीं है तो कैसे बनाऊंगी इसमें खाना। मेरा एक आदत बहुत ख़राब है, दोपहर में सोने के बाद मुझे काम करने के लिए मन नहीं करता है, एकदम ही अच्छा नहीं लगता है, तो अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं मानो क्या खाते हैं इवनिंग में, अभी चाय तो बना लेती हूँ उसके बाद देखती हूँ कैसे क्या बनाती हूँ। तो चाय हो गया रेडी, अभी मैं डिनर के लिए थोड़ा सा एक सब्जी बना लेती हूँ, आलू का एक सब्जी बना लेती हूँ जो रोटी के साथ खाने के लिए, चपाती के साथ, रोटी या चपाती जो भी बोलते, तो वो खाने के लिए बना लेती हूँ सब्जी। तो अभी हम लोग पी रहे चाय और उसके साथ देखिए ये होममेड कुकीज है, मैंने रागी से बनाया ये बहुत टेस्टी है। एकदम टेस्टी नहीं है वो ऐसा ही बोलता है। हैप्पी को बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये, टूट नहीं है, इतना हार्ड है। देखो डिनर के लिए मैं ऑलरेडी पोटैटो का एक करी बना रही हूँ अभी, तो ये फिनिश करके वो देख ले तू एक बार होगा है क्या नहीं, उसके साथ चपाती, चपाती बाद में बनाएंगे, अभी करी रेडी करके मैं टीवी देखूंगी। इसलिए आज मैं ये ब्लॉग एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया, तो आप लोगों बोलना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।